शेन विलियमसन, काइल जेमिसन या फिर यू कहें कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम, इन सभी ने शानदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। साउथैम्प्टन के एजीज बॉल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें भारत की 8 विकेट से हार हुई और कीवी टीम ने इतिहास रच दिया। इस फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़े हीरो फास्ट बॉलर काइल जेमिसन रहे। जेमिसन ने इस मैच की दोनों पारियों में मिलाकर 7 विकेट चटकाए। उनके अलावा कप्तान केन विलियमसन ने दोनों पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक अर्धशतक समेत कुल 101 रन बनाए। किसी भी सीरीज या ट्रॉफी को जीतने के बाद टीम को कितना पैसा, कितनी रकम, क्या कुछ प्राइज मनी मिलती है, ये सवाल जहन में जरूर रहता है। आइए जानते हैं लगभग 2 साल बाद खत्म हुई इस चैंपियनशिप में टीमों को कितना पैसा मिला। भारत को हराकर चैंपियन बनने वाली न्यूजीलैंड टीम को $1.6 मिलियन यानी 11 करोड़ 73 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड टीम को ICC की टेस्ट मैच भी मिली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के इतिहास में ये पहला मौका है जब उन्होंने ICC टेस्ट मैच पर कब्जा जमाया है। रनर अप रही टीम इंडिया को भी पैसे के मामले में बहुत तगड़ा नुकसान नहीं हुआ है। टीम इंडिया फाइनल में जाकर हारी है, इसलिए भारत को $8 लाख यानी लगभग 6 करोड़ की रकम मिली है। भारत और न्यूजीलैंड के अलावा पॉइंट्स टैली में तीसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को $450,000, चौथे स्थान पर रहने वाली टीम इंग्लैंड को $350,000, पांचवे स्थान की टीम साउथ अफ्रीका को $200,000 मिले हैं। टॉप 5 टीमों के अलावा बाकी सभी टीमों को $1 लाख के साथ अलविदा कहा गया है। क्या ये प्राइज मनी वर्ल्ड कप से ज्यादा है? इसका जवाब है नहीं। 2019 में खेले गए आखिरी क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम को लगभग 28 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि 2016 में खेले गए आखिरी T20 विश्व कप की विजेता टीम को लगभग 41 करोड़ का चेक सौंपा गया था। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रकम इन दोनों ही ICC टूर्नामेंट से कम है। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 रहते हुए फाइनल तक पहुंची थी। उन्होंने 6 सीरीज में 12 जीत 4 हार और ड्रॉ के साथ एक खिताब के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि न्यूजीलैंड की टीम नंबर 2 पर रहते हुए यहां तक पहुंची थी। उन्होंने 5 सीरीज में 7 जीत और 4 हार के साथ इस फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। न्यूजीलैंड टीम का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने का सपना सच हो गया है, जबकि विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम एक और ICC खिताब से चूक गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। शुक्रिया।